स्वागत है। यहाँ पे हम समय समय पे आपके सामने जो है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनसे जो है आपकी वार्तालाप कराते हैं। आज हमारे साथ है मनोज झा जी, जो CTO जो है 2018 का UPPCS जो है इस पे क्वालिफाई हुए हैं। मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और ये हमारा सौभाग्य था कि मनोज जी का जो मॉक इंटरव्यू था वो भी हम लोगों ने लिया था, और तभी हमने कंफर्म कर दिया था कि इनकी जो नॉलेज है कि उससे जो है PDF में इनका नाम आ रहा है। क्यों मनोज जी, याद है आपको मेरे सेंटेंस? हाँ जी, आपने कहा था और आपने वो एक बुक भी थी तथ्य सार करके, उसके लिए भी कहा था कि आप इसको तो एक बार देख अब लीजिएगा। बिल्कुल 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 यार, जब होता है ना मुहावरा कि बच्चे के पैर शुरुआत में से ही माता पिता को लग जाता है कहाँ तक जाएगा, तो आपके इंटरव्यू से हमें लग गया था कि PDF में नाम तो जरूर आता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन आपकी किन किन सब्जेक्ट में हुई थी? बिल्कुल सर, सर आई वॉज बॉर्न, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, सब जानते हैं बच्चे। सर आई वॉज बॉर्न इन समस्तीपुर बिहार, द विलेज इज माली नगर। वहाँ मैं करीब 4 साल तक रहा था। फिर मेरे पापा जहाँ काम करते थे भीमताल में, वहाँ मुझे लेके गए थे। फिर मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी, सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने 3rd तक वहीं पढ़ा। फिर 4th से लेके 12th तक वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल था, थर्मन माइनर स्कूल भीमताल में। वहाँ से मैंने 12th बिल्कुल तक बिल्कुल किया। 11th 12th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखी थी। फिर ग्रेजुएशन के लिए देयर वाज सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो आई केम दिल्ली आया। फिर यहाँ पे फिर मैंने एक BPO में काम स्टार्ट किया, इंटेलिनेट ग्लोबल सर्विसेज ओखला में। फिर मैंने उस समय DU का फॉर्म भरा था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, वो कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। अगले साल फिर मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से BBA एनरोल किया, और मैंने नौकरी करते करते डिस्टेंस से BBA कंप्लीट किया, जिसमें से कि 75% में मैंने 2012 में कंप्लीट किया था। फिर 2012 में ही मैंने CDS दिया था, जिसमें मैं अलाहाबाद से रिकमेंड हुआ था आर्मी के लिए, पर मेरे मेडिकल रीजंस के कारण मैंने OTA से विड्रॉ कर लिया था। मैं लंबर लॉटसिस का दिक्कत था। फिर उसके बाद मैंने फिर काम किया BPO में। मैं फिर KPO में चला गया था, IGATE, जो कि पटनी कंप्यूटर्स थी उस समय। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया, थोड़े पैसे बचाए, फिर सिविल सर्विस की तैयारी में आ गया। मैंने UPSC के 6 अटेम्प्ट दिए, 3 मेंस लिखे, पर कभी मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँचा वहाँ। यूपी में मैं फॉर्चुनेट रहा, मैंने 2 मेंस लिखे इसको मिला के। मैंने 17 में इंटरव्यू दिया था, पर मेरे उस समय स्कोर सही नहीं बने, तो मैं सिलेक्शन में नहीं आया। इस बार मुझे CTO मिला है। बिल्कुल। तो अच्छा, जो आपकी जर्नी है इससे एक सवाल उठता है अमूमन विद्यार्थियों के बीच में कि अगर UPPCS क्वालिफाई करना है तो आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका जो है BTech IIT ठीक है, और जो BHU यहाँ से होना चाहिए, तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होगा तभी उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी करो? सर मैं तो कुछ भी बोलता हूँ तो आई गेस आई कीप माई सेल्फ इन दैट शू। अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो सर, मेरी एजुकेशन, मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरा मन लगता था क्लासरूम में, पर उसके अलावा आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटेड पर्सन। मैं बहुत स्लोली कोई चीज़ इनिशिएट करता हूँ, पर जब मैं सर काम करते करते मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एंड दैट टू फ्रॉम यू नो अ डिस्टेंस लर्निंग। तो आई गेस ये बोलना कि कोई IIT है, कोई BHU से तो ही इसमें उसका सिलेक्शन होगा, ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली। एक्चुअली हम भी जब पढ़ाते हैं तो ऐसा हम सेम बोलते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि अब सर UPPCS का पैटर्न जो है UPSC का। तो यार स्कूलिंग से मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड BA बैकग्राउंड के सबसे ज्यादा SDM कन्फ्यूजन तो दूर करा ही। अच्छा आप अब मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश PCS की अगर हम तैयारी करते हैं ठीक है, तो मिनिमम कितना समय चाहिए उस प्रिपरेशन के लिए? सर अगर कोई UPSC से आता है, दो कैटेगरी है, अगर कोई UPSC से आता है, क्योंकि यह पैटर्न सेम है, तो तैयारी सिर्फ स्टेट के लिए अलग से करना है, मतलब स्टेट के बारे में पढ़ना है।
जो कि काफी कुछ यूपीएससी में कवर हो जाता है, क्योंकि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ज्यादातर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हमें यूपी से ही ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर कोई एकदम से नया शुरू करता है तो फिर सर पूरा 1 साल तो मुझे लगता है कि कवर करने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना है। और यूपीए पहले जैसा नहीं रहा कि जीएस रटा और ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आ गए। अब 4 जीएस हैं जो कि सब्जेक्टिव है, तो उसमें ना सिर्फ कंटेंट चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी भी चाहिए, कैसे लिखना है ये भी मालूम होना चाहिए, और स्पीड भी चाहिए। लोगों का पेपर छूट जाता है, 60-62 पेज की QCA भी होती है एक पेपर में, तो हाथ दर्द करेगा, पूरा भी लिखना है, दिमाग भी लगाना है, दैट्स वेरी टफ। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं इसके, 1-2 मिनट में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। पर हाँ, टाइम, कोई नया है तो 1 साल चाहिए, और अगर कोई यूपीएससी से आया है, एक आध अटेम्प्ट लिखा है उसने, तो आई गेस 2-3 महीना काफी है स्टेट के लिए, यूपी बिहार कोई सा भी। अच्छा, जो ये स्ट्रेटेजी की बात है, इसके लिए जो है एक अलग से जो है उसमें हम सेशन रख लेंगे। तो अभी थोड़ा पर्सनल पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ। जैसे कि आप जब सफल हुए, तो जो सफलता के बाद और सफलता से पहले, अब जीवन में क्या अंतर आ गया है? पहले से सर थोड़ा एक सुकून लगता है कि अब जो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का एक मैं पार्ट था, उसका पार्ट नहीं रहा। इच्छाएं तो सर बहुत होती हैं, पहले लगता था कि पीडीएफ में नाम आ जाए चाहे लास्ट रैंक ही सही, ये तो यूपीएससी में भी मैं चाहता था। पहले दिन तो सोचता अच्छा, था कि आईएएस ही बनूंगा टॉप रैंक से, फिर धीरे हाँ धीरे हाँ धीरे धीरे इंसान को पता चलता है कि उससे भी बड़े स्मार्ट लोग हैं जिनका नाम पहले आ जाएगा, तो बिल्कुल वो था, वो फीलिंग थी। लेकिन सिलेक्शन से पहले सर अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो फिर से तैयारी करते। मतलब होता है ना, प्रीलिम्स में कुछ पढ़ा, मेंस में कुछ पढ़ा, इंटरव्यू की तैयारी की, नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स पढ़ा। तो एक मानसिक स्थिति तो ऑब्वियसली थोड़ा डिप्रेस होता है, थोड़ा दुखी होता है, पर आगे की तैयारी तो करनी ही पड़ती, अगर आगे कुछ बढ़ना है तो फिर रुका तो नहीं जा सकता। तो ये वाले जो अटेम्प्ट में कितना परसेंट लग रहा था चांस कि यार इस बार लिस्ट में नाम आएगा पीडीएफ में, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी? सर अगर मैं बोलूं ऐसा तो फिर झूठ होगा। पेपर बहुत सब्जेक्टिव होता है सर, आप टॉप कर रहे हो या मतलब फेल हो रहे हो, कभी पता नहीं चलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं बाद में, पर मुझे लगता है कि वो पता नहीं उनको कैसे पता चला कि वो पास हो जाएंगे। पर हाँ, मेहनत करिए तो रिवॉर्ड जरूर मिलता है, ये मैं मानता हूँ। अगर आपने पेपर अच्छे से लिखा है तो इंटरव्यू कॉल तक आ सकती है, पर फाइनल सिलेक्शन की तो कोई गारंटी नहीं है सर, सब्जेक्टिव पेपर में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अभी जो है इस समय माध्यम का भी बहुत इशू चल रहा है कि अगर जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस को इंग्लिश मीडियम से दोगे तो ज्यादा अच्छी रैंक लग रही है, हिंदी माध्यम से कम लग रही है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही मैंने पेपर लिखा है, तो हो सकता है लोगों को थोड़ा बायस लगे, पर मुझे नहीं लगता सर लेकिन कि माध्यम से कोई खास फर्क पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि किस माध्यम में कितना मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम काफ़ी सेचुरेटेड मार्केट है, काफ़ी अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर भी सब जानते हैं कि द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, योजना पढ़ लो। अब हिंदी मीडियम में कितना अवेलेबल है मुझे नहीं पता, ये कोई हिंदी मीडियम से जो सफल हुए हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट आई रियली डोंट थिंक कि सर इसमें कुछ माध्यम का अंतर है, क्योंकि इवैल्यूएटर तो इवैल्यूएटर है, उसको तो सिर्फ कंटेंट ढूंढना है, उसमें तो अच्छे हैं मतलब अच्छा लिख। कंटेंट कंटेंट पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अब आप द हिंदू को पढ़ लो, आप हिंदी में लिख लो, ठीक है ना, माध्यम चेंज करने की जरूरत क्या है? आप उसको समझो, हिंदी में लिखो, ऐसी एक होनी चाहिए फीलिंग। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं, ऑनलाइन स्टडी भी काफी चल रही है मार्केट में, तो आप ऑनलाइन अच्छा स्टडी को एज ए डिस्ट्रैक्शन समझते हो कि एज ए जो है आप जो है एक प्लस पॉइंट समझते हो? सर, ये एक प्लस पॉइंट है। वैसे भी देखा जाए तो कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत रियलाइज हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी। सर लेकिन ऑनलाइन में अभी तक हमने ऑनलाइन को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसीलिए भटकने के माध्यम ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन में क्या है, बहुत सारे लोग आपके पास बैठे हैं, आपको अंदर से डर लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा तो कोई और पास हो जाएगा, पर ऑनलाइन में कोई देखने वाला नहीं है एक्सेप्ट योर ओन कॉन्साइंस, तो उसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑनलाइन से बेहतरीन माध्यम कोई नहीं है।
सब कुछ है यहाँ, आपको कहीं जाना नहीं, ट्रैवल नहीं करना है कहीं, जो चाहिए आपको सब अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, नोट्स मंगा लो, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, क्या नहीं है। तो कुल मिला के जो है आप जो है टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, आप घर पे बैठ के कुछ भी कर सकते हो, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें हैं। अगर आप जो है फायदा लेना चाहें तो फायदा भी ले सकते हैं, मेरे बिल्कुल ख्याल सर। से और बंदे। हाँ सर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सर बोलना आसान होता है, करना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद फंस चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। एक चीज है सर जो इन चीजों से निकाल सकती है, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले, एंड आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। अगर कोई मेरे से मदद मांगता है तो मैं कर भी दूंगा। मुझे मेंटर्स मिले हैं सर, जो अभी सिलेक्टेड IRS भी हैं, एक विभूति सर हैं जिन्होंने मुझे 2016 से अच्छे से गाइड किया, जो ना सिर्फ मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डर निकाला, बल्कि मुझे अच्छे मटेरियल के बारे में भी बताया। तो सर एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल मिलता नहीं है। कहीं भी पढ़ने भी हम जाते हैं स्कूल में, तो एकदम से मिलता है ना कि एक क्लास में आप 200 बच्चे बैठा दो और 3 घंटे पढ़ा लो। तो हमें समझना चाहिए कि हम कंप्यूटर नहीं है कि हमारे अंदर पेन ड्राइव डाला और फिर मटेरियल लोड कर दिया तो हमें समझ में आ जाएगा। कोई होना चाहिए बिल्कुल बताने वाला कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पढ़ना हमको ही है, बिल्कुल पर एक कोई होना चाहिए मेंटर। तो वो ऑनलाइन में जल्दी होता है, मेरा ये कहने का मतलब है। आप फोन पे, व्हाट्सएप से, अपने मतलब गाइड से कांटेक्ट में रह सकते हैं, वो आपकी अच्छे से मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड ये करता है कि जो प्रिपरेशन करने वाला है वो अपने लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर है। अगर गंभीर है तो भाई वो पढ़ाई की मैटर ढूंढेगा नेट हाँ पे, जी, और हाँ जी, गंभीर नहीं है तो फिर वो एंटरटेनमेंट करेगा। तो बिल्कुल जो है बिल्कुल, और जिंदगी में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, सफलता तो है, उसके लिए एंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत तो चाहिए, ये तो मैं सर। मैं मानता करता हूँ। था ऐसा, मैं भी कभी पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा दिमाग सेचुरेट होने लगता है, सपने में अच्छा भी बजट और फिजिकल डेफिसिट ही कई बार समझ में आता था, कई बार अशोक दिखाई देता था क्योंकि मेडिवल पढ़ रहा होता था। अच्छा तो दिमाग भटकाने के लिए, हर चीज मतलब रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मैं उन दिनों द बिग बैंग थ्योरी का एक एपिसोड रोज देखता था, चाहे भले ही मैंने पहले देख रखा हो, तो एक पता चलता था कि इस स्टेज पे यहाँ पे कुछ पंच होगा, कुछ हंसी आएगी, दिमाग हल्का होगा, अगले दिन फिर तैयारी। जब जाना ही है पढ़ने तो थोड़ा बिल्कुल शाम को मस्ती कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो चलो, मस्ती की बात हो रही है तो अच्छा, मैं व्यूअर्स को बता दूं इनकी स्ट्रेटेजी का जो है दूसरा वीडियो आएगा, अभी थोड़ा इनसे पर्सनल टॉक कर ले, क्योंकि एक इंसान को पर्सनालिटी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो आपको पता ही है कि पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन अगर आप भी अगर अपनी पर्सनालिटी को मेच्योर करते हो, एक वर्सेटाइल बनाते हो, तो थोड़ा जिंदगी में स्ट्रेस कम हो जाता है, और स्ट्रेस कम हो जाता है तो ये जो है जो ये रास्ता है ना, ये बहुत आसान हो जाता है। क्यों, सही कह रहा हूँ मनोज जी? बिल्कुल सर, हाँ तो चलो, थोड़ा एक जो है क्या कहते हैं रैपिड फायर राउंड खेल लेता हूँ मैं आपके साथ। तो मैं तो जी आपसे सर, 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बहुत ही कम समय में उसका आंसर देना है, ठीक है ना? क्लियर? हाँ तो जी, चलो, आपका पहला क्वेश्चन है, आपके खाते में आ रहा है, आपकी फेवरेट जो है एक्टर कौन है? सर इरफान खान थे, अब तो वो नहीं रहे। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट पसंद है। अब फेवरेट कलर? एज सच कोई फेवरेट कलर नहीं है सर, जो मिल जाए अच्छा। कोई एक इंसान जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, सर फैमिली हर में फील्ड में छोड़ के, फैमिली नहीं, वही मैं सर कह रहा हूँ, मेरा हर को एक छोड़। हर एक पर्सपेक्टिव में कोई ना कोई आदर्श है। जैसे मैंने आपको बताया, तैयारी में एक आदर्श थे, फिर एक सिविल सर्वेंट है जिनके लिए मेरे पापा काम करते हैं, वो मेरे आदर्श रहे कि अगर मैं कभी बनूंगा तो इनके जैसा बनूंगा। वैसे हर फील्ड में अलग अलग रहे हैं, लीडरशिप में कोई अलग है, ऑल इन वन नहीं है कोई अभी। ओके अच्छा, अगर जिंदगी में कहीं पे घूमने का मौका मिला तो कौन सी कंट्री और कौन सा प्लेस? सर मुझे कनाडा बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें ट्रैक अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैकिंग पे जाता रहा हूँ, तो अगर बिल्कुल कभी मौका बिल्कुल, मिलेगा तो वहाँ जाऊँगा। भीमताल का अटैचमेंट है, पहाड़ से मैं अटैचमेंट, भी, हाँ तो पहाड़ों से बैठा मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। आप कहाँ पे हो अभी? अभी यार मैं अल्मोड़ा में हूँ, ठीक है, अच्छा, तो हाँ तो ये जो है मैंने आपसे रैपिड राउंड खेला। अच्छा, अब लास्ट में हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे बच्चे,
पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कुछ एक ऐसा संदेश दो जो उनकी पर्सनालिटी और ये जो 11 तारीख का पेपर है उनका प्रीलिम्स का, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस कम करने का, और इसके बाद वाला मैं जो इंटरव्यू लूंगा आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाला, ठीक है, एक संदेश दीजिए। संदेश तो सर यही है कि डर लगना लाजमी है, डर सबको लगता है, लेकिन अपने पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे। अगर वहां आप बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स का पेपर, तो अगर आपको सही आंसर नहीं आता है तो गलत हटा दीजिए उसमें से, इसी को एलिमिनेशन कहते हैं। और पेपर टफ है तो ये मत सोचिए कि 150 में से मुझे 130 140 करने हैं, क्योंकि इस बार से 1/3 नेगेटिव है, 1/4 भी नहीं है। तो बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता और कोई कर लेगा। अगर आपने मेहनत करी और आपको नहीं आता, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता। तो अपनी समझबूझ से पेपर कीजिए, और पेपर के बाद डिस्कशन में टाइम मत गवाइए कि तुम्हारा कैसा हुआ। आगे की तैयारी कीजिए, सीसैट का पेपर दीजिए, अपनी मेंस की तैयारी कीजिए, सिर्फ कीज आने का वेट कीजिए, एक बार किसी की से मिला लीजिए और आगे बढ़िए। डरना नहीं है पेपर में, जो है आपने मेहनत करी आप कर लोगे। ओके, तो मनोज जी का वही ये मैसेज था आप लोगों के लिए, एलिमिनेशन राउंड करो अच्छी तरीके से और स्ट्रेस मत लो, अब तक जो तैयारी हो गई, ठीक है। तो चलिए मनोज जी, अब मैं जो है कल आपसे मिलेंगे हम, ठीक है, और कल जो है हम आपसे एक स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो करेंगे। थैंक यू वेरी मच मनोज।